वेल गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम आके पहुँचे हैं सप्तशज्या, जो कि भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर्स के आसपास है। और आप देख सकते हो ये ऊपर का मंदिर का जाता हुआ रास सीढ़ियाँ, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। आप देख सकते हो इसका नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पे एक छोटा सा झरना भी है, आप देख सकते हैं। और ये इसको सप्तशज्या इसीलिए बोलते हैं कि सात पहाड़ आसपास में हैं, जो कि वाओ व्हाट ए वेरी नाइस, इट्स आई थिंक इट्स ए वुड पेकर और ए किंग फिशर इज सिटिंग देयर। लेट मी जूम इट, वाओ यू कैन सी, वाओ आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ही चिड़िया यहाँ पे एक है। और इसका नज़ारा देख के मन भर जाएगा। और ये कोरोना के कारण ये थोड़ा जगह थोड़ा डेवलप, मतलब आदमी लोग कम है यहाँ पे। आप देख सकते हो जगह बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ, ये पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि कम 100 किलोमीटर के अंदर ये जगह बहुत बढ़िया है। मुन्नू भाई थोड़ा सा इधर, थोड़ा आपका आज का राइडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, आज का राइडिंग का एक्सपीरियंस। यस बताइए, थोड़ा बोलिए कैसा लगा। ठीक ठाक लगला। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक लग कथा सरू आगो। अच्छा हां, तापरे वर्तमान मोमेंट रे हां बहुत आकर्षणीय जगह रे मैं पहुंची जु। राइट हां, आ एठु मु भाबु छी जीव की इच्छा होनी ना या आउ हम सहित तो किछि नुवा भाई भी जोड़ी हे चंदी। एग्जैक्ट आउ से भाई हमरो जाजपुर रु आछंती भाई, तुमो नाम कोन? जय। जय अच्छा राइट हाँ। भाई तुम मानकर एक्सपीरियंस, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए जगह के बारे में, क्या लग रहा है? बोलते हैं ना लाखों में एक। हाँ। वैसे सप्तशज्या एक ऐसा जगह है, मतलब हाँ। अलग है अपने नेचुरल में अलग है। हाँ। नेचर मतलब आके एक बार बैठिए इस जगह पे, आइए एक बार बैठिए। हाँ। बस एक बार घूम के जाइए, मतलब दिल में ना आ जाए तो बताना भाई। आपका थोड़ा एक्सपीरियंस में सुनना चाहता हूँ आपका मुझसे। परिवेश बहुत शांत, मतलब यदि आपण एटी किछि बसी कि योग करिए ना आ मन कोडे पळे आपण जानि परे। राइट राइट, एटा बडे सतर्क इतना नेचुरल एनवायरनमेंट है ना यहां पे। हां, और साइलेंट आप साउंड्स भी सुन सकते हैं जो झरना जा रही है यहां पे जो बह रही है। ऊपर ही मंदिर अछि, ऊपर ही बहुत शांत परिवेश अछि। आपण यदि बुलिया को आसीबे, आपण यदि टिक्के मन करिए जे पे ताले हम कहबे। राइट, बहुत शांत प्लेस है। या या या, सो दैट मतलब लास्ट टाइम मुनुवाई जहां पे गए थे वो जगह भी मतलब अच्छा था, लेकिन ये भी अच्छा है। इसको भी हम टाइम जाइतले हमरो जो टिकर पड़ा टिकर सातकुसिया के, बट लेकिन वो एक अनएक्सप्लोर्ड जगह था, लेकिन उसका राइडिंग इसका राइडिंग भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक 500 कितना भाई होगा वो जो हमने जो घाटी देके आए, कितना हाइट होगा? कम से कम 500 मीटर होगा, लेकिन तो उसमें पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल ऊपर से आपको ऐसा बाइक चाहिए रॉ पावर होना चाहिए। राइट, छोटा मोटा गाड़ी लेके बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि नीचे जाओगे डायरेक्ट 11वें दिन पे मिलेंगे ऑटो पोस्टर। इसका स्टीफनेस थोड़ा ज्यादा है नहीं? उसका स्टीफ थोड़ा ज्यादा है नहीं मुन्नू भाई? हाँ ओके थैंक यू। मैं आपका ऊपर का व्यू थोड़ा ऊपर जाके और एक वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। ओके थैंक यू। पूरा रॉ पावर पूरा मशीन रनिंग मशीन तो सी को कुछ ना टर्निंग है 223। अब साइड व्यूज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे। ये नीचे का व्यू, ये एक शायद उठा वाटर रिजर्वियर लग रहा है। बहुत सारे बंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे, वो बैग वगैरह सब छीनेंगे हमसे ऐसे लग रहा है। बंदर भाई तो मुन्नू भाई ये ऊपर का व्यू
आप अभी जो बोल रहे थे वो मेरे दिल को छू गया। अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा बोलिए, अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा घर पास में होता ना तो दुकान फुकान छोड़ के आके यहीं पे बैठ जाता हर दिन। हर दिन नहीं, पूरा यहीं पे रह जाता। यहीं पे तो जगह ऐसे लग रहा है। बस बस बस, हाँ एग्जैक्टली, मतलब इतना पीसफुल का क्लाइमेट। मैं सोच रहा हूँ मैंने कब ऐसा पीस मुझे मिला था, भूल गया मालूम ही नहीं मुझे कब मिला था मुझे। सही में यार, सही में बहुत ही, मतलब कितना ये जो, मतलब इतना लग, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिन, मतलब बहुत, मतलब 100-200 साल या 1000 साल का मेरा रिश्ता है यहाँ से। ऐसे लग रहा है जगह को देख के, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं, मतलब सपने में इसको बहुत बार देखा हूँ, आज आके यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आपका व्यू ये ऊपर का टॉप व्यू कैसा, मतलब टॉप व्यू के ऊपर थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताइए। स्पीचलेस रियली, मन हो जी माने नजिया पे ही। एग्जैक्टली, मेरा भी वही मन कर रहा है, छाड़ देगी पूरा सब कुछ, छोड़ छाड़ के यहीं पे आके सेटल हो जाओ। ये पैसा ना होता तो मतलब आदमी आके इधर ही पूरा आराम से बाबा बन के बैठ जाता। रियली सुकून मिल, रियली सिर्फ कुछ खाने को मिल जाए बस, ठीक है, खाने को मिल जाए हो जाएगा तो चलेगा। हाँ, यहाँ पे अब एक चीज आप फील कर रहे हो मनु भाई, जैसे ऑक्सीजन, मतलब आप सोचिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपको, मतलब कैसे लग रहा है, सफोकेशन लग रहा है क्या? हाँ, पूरा जैसे लग रहा है कि भरपूर ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन। चाइना वाले इधर ही आना चाहिए, वो ऑक्सीजन खरीदते हैं इधर आके एक बार। रियली इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। चिंटू, ए पॉल्यूशन नहीं ता छोड़ा बहुत, जदि भी जी पॉल्यूशन अच्छी मानने कंपेनसेट करने सफिसीयंट गच्छी। वो मंदिर तो बंद है ना? हाँ, मंदिर बंद, लेकिन ऊपर भी और एक जगह है और आप जा सकते हो, मतलब पैदल जा सकते हो, लेकिन हमें जाना हाँ ये रास्ता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, वो सांप वगैरह बहुत रहता है, सांप सुप रहता है। मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा झरना है वहाँ पे, यार अभी थोड़ा झरना का पानी मैं पीऊँगा। आप देख सकते हो ये झरना बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा चैनलाइज कर दिए हैं यहाँ पे। ओ कितना ठंडा, बाप रे बाप, बहुत ठंडा पानी है, आपके ऊपर भी फेंकूंगा पानी। बस 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 भाई, बहुत हो गया। मुझे थोड़ा मुंह धोने दीजिए ना। लीजिए, वाओ, इट्स रियली नेचुरल, पूरा फ्रेश, वेरी नाइस। आप भी पानी ले सकते हो, हाथ में देखें, देख सकते हो आप भी, देख सकते हो, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। कैसे देखो पानी, मतलब प्योर पानी, बिस्लरी भी फीका पड़ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा जगह गंदा हो गया है, उसको थोड़ा मेंटेन करने की। हाँ, बहुत अच्छा जगह है, थैंक यू भाई। बस जो भी फॉलोअर्स देख रहे हो इधर का, लोकल का, ढेंकानल का, थोड़ा इसको साफ सफाई करके रखो, मेंटेन करके रखो, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस जितना सुंदर रहेगा उतना मस्त लगेगा। नेचुरल ब्यूटी को ब्यूटी जैसा रखना चाहिए, तो मुझे धोए पड़े। जो नेचुरल ब्यूटी है वो ब्यूटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, इसको थोड़ी ऐसे गंदा करना चाहिए। ये जगह पे इतना पूरा गंदा हो गया। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। बंदर भाई साहब, यहाँ पे देखिए थोड़ा, क्या कर क्या रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो क्या? शायद लग रहा है ऐसे ही लग रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं आप ऐसे। क्या ऑपरेशन चल रहा है अभी? एक बंदर को 3 जन मिलके ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे देखो विटामिन डी ले रहा है बंदर, बंदरिया। हाँ, छीन लिए मेरे से, इधर का मेरा बैग छीन लिए मेरे से। हाँ, बिस्कुट का पूरा पैकेट छीन लिए, मैं तो दे रहा था, छीने क्यों भाई, क्यों छीने तुम लोग? वो छीन के ले गया वो बंदा, मेरे ऊपर से आके छीन के ले गया, पीछे से छीन के ले गया वो पैकेट। ऐ सबको दे के मिल के खाओ। प्रतुष बच के बच के बच के बच के से माने तार साउंड करी के खबर दे देला। आउ नाही ए चिंटू, ताकु फुपाड़ दियो नले से बैग फेक नहीं जो। ए प्रतुष का बिग फैन, दिखने का पीछे से मुझे पकड़ लिया था, जोरी चार जोरी चार, पीछे से पकड़ लिया था, ये नहीं छोड़ेगा वो, ये बंदा पीछे से मुझे पकड़ लिया था, ये वो ए, 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 ए ले लिया था ना ये बंदा। हाँ, ये लिया था, ये बंदा ले लिया था पैकेट।